परेशान। किसी ने खूब कहा है कि अगर दुनिया में कहीं जन्नत है तो वो सिर्फ कश्मीर में है, और मुझे लगता है कि अपने जिंदगी में हर किसी को कम से कम एक बार तो कश्मीर जरूर आना चाहिए। वो अलग बात है कि अगर आप एक बार कश्मीर आ गए तो फिर बार बार आते रहेंगे मेरी तरह, क्योंकि कश्मीर आपको अपना दीवाना बना देता है। मैं रिशिता भट्ट हूँ, एक फिल्म एक्टर, और आजकल मैं कश्मीर में एक फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में आई हूँ, और अपनी शूटिंग खत्म करके मैं कश्मीर की खूबसूरत यादें समेटे हुए वापस मुंबई जाने वाली हूँ। गुड मॉर्निंग जावेद जी, कैसे आप? फर्स्ट क्लास, आप सुनाइए। बस अब चलने की तैयारी में, स्टाफ का वेट कर रही हूँ। अच्छा, या तो आप जा रही हैं? बिल्कुल। Good. लेकिन आपके साथ काम करके बहुत मजा आया। थैंक यू। आप कमाल के एक्टर हैं। और you. आपको स्पेशल थैंक्स, वो जो पानी पिलाया था आपने, चश्मे शाही, राइट? चश्मे शाही। अरे मैं तो डरी हुई थी, आपको तो पता है मैं कैसे वो मतलब पैनिक हो जाती हूँ पानी को लेकर, मगर मैंने वो पिया और माई डाइजेशन बिकम लाइक सो गुड, उल्टा और भूख लगने लग गई। मैम ऐसा है ना, आजकल के दौर में हमारे कश्मीर में हर घर में टैप से ऐसा ही पानी बहता है। अच्छा। हाँ, ये जावेद है मेरे को एक्टर, जो कि एक लोकल कश्मीरी है, और मेरे कश्मीर के स्ट्रिप में इन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा। बात बात में हम दोनों की सेफ ड्रिंकिंग वाटर को लेकर डिस्कशन शुरू हो गई। मैं पीने के पानी को लेकर बहुत कंसर्न रहती हूँ, और इसीलिए जहाँ भी ट्रैवल करती हूँ तो सबसे पहले ये इंश्योर करती हूँ कि मुझे सेफ पीने का पानी मिले। जावेद जी से बात करते हुए मुझे एहसास हुआ कि ये सेफ ड्रिंकिंग वाटर का टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट है। आप रुकिए, आपको यकीन नहीं ना हो रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। ओके। ये देख लीजिए आप। हिंदुस्तान में करीब करीब आधे घर ऐसे हैं जिन घरों में पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। उनको पीने का पानी प्राप्त करने के लिए मशक्कत करनी पड़ती है। माताओं बहनों को सर पे बोझ उठा करके, मटके लेकर के दो दो तीन तीन पांच पांच किलोमीटर जाना पड़ता है। और इसलिए आज मैं लाल किले से घोषित करता हूं कि हम आने वाले दिनों में जल जीवन मिशन को लेकर के आगे बढ़ेंगे। ये जल जीवन मिशन, इसके लिए करीब केंद्र और राज्य साथ मिलकर के काम करेंगे, और आने वाले वर्षों में 3.5 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा रकम इस जल जीवन मिशन के लिए खर्च करने का हमने संकल्प किया, और हम इस विश्वास के साथ आगे बढ़े कि पानी के क्षेत्र में पिछले 70 साल में जो काम हुआ है, हमें 5 साल में 4 गुने से भी ज्यादा उस काम को करना होगा। वाओ। तो मैम आप एक काम कीजिए, हम जाएंगे उन जगहों पे, मैं आपका सारथी बनूंगा और दिखाऊंगा जो ये हमारी स्कीमें हैं इन पर कितना काम हुआ है, आपको भी मजा आएगा और एक नया कश्मीर दिखाऊंगा। चलिए। जी जनाब। तो
जावेद साहब, आज आप मुझे कश्मीर के किस खूबसूरत गांव लेकर चलने वाले हैं? हाँ मैडम, मैं आपको ले जाऊंगा कश्मीर के एक खूबसूरत गांव उमरकोट। अच्छा, उमरकोट गांव की एक सबसे बड़ी बात है, वहाँ हर घर हर नल में आपको पानी जरूर मिलेगा। अच्छा। और स्वच्छता की बात ही मत कीजिए, इतना साफ सुथरा गांव, आपका दिल खुश हो जाएगा। अच्छा। और एक और बात, वो ये है कि उन्होंने प्रधानमंत्री जी की हर स्कीम हर योजना का ना भरपूर फायदा उठाया है। आप अच्छा? जाकर देखेंगी ना, दिल खुश हो जाएगा, देखना। अब तो वहाँ जाना जरूरी है। जावेद जी के साथ मैं कश्मीर के अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के एक गांव की ओर जा रही हूँ। जावेद जी का कहना है कि जल जीवन मिशन ने इस गांव में क्रांतिकारी तरीके से लोकल कश्मीरियों के जिंदगी पर जबरदस्त असर डाला है। मैं सच में क्यूरियस हूँ कश्मीर के इस गांव की कहानी जानने के लिए। ओह माय गुडनेस, हालांकि मैंने जावेद जी को मना किया था कि गांव के लोगों को मेरे बारे में ना बताए कि मैं उनके गांव आ रही हूँ, लेकिन जावेद जी ने सब उल्टा कर दिया। मेरे गांव आने से पहले सबको बता दिया, पर चलो ठीक है, क्या कर सकते हैं। अभी गाड़ी पार्क करने के बहाने कहीं गायब हो गए, लेकिन गांव वाले बड़े मन से मेरा स्वागत करते हुए मुझे जल जीवन मिशन की कामयाबी के बारे में बताना चाह रहे हैं। जी, बहुत अच्छा लगा, शुक्रिया। जावेद जी, इधर बहुत ठंड है, आपके लिए मैंने लाया ये। अरे लार, जैसे इन लोगों ने पहना है, अब मैं भी आप जैसे ही हो जाऊंगे फिर। अरे और बढ़िया रंग भी ले आए हैं, अब तो ये पहनना पड़ेगा। कश्मीर के लोग इतनी वार्मथ के साथ आपसे मिलते हैं कि बस दिल ही जीत लेते हैं, और जल जीवन मिशन ने इन लोगों का दिल जीत लिया है, हर घर नल से जल पहुंचाकर। जल जीवन मिशन से पहले गांव की औरतों और टीनेज लड़कियों को रोजाना खाना बनाने और पीने का पानी लाने मीलों दूर किसी नदी या झरने पर जाना पड़ता था, जो ऑब्वियसली बहुत फ्रस्ट्रेटिंग रहा होगा क्योंकि सारा दिन पानी लाने में ही गुजर जाता था। लेकिन अब घर की किचन में ही टैप वाटर पहुँच गया है, शायद ये गाँव की औरतों के लिए सबसे सुखद एहसास है। जल जीवन मिशन ने ग्राउंड लेवल पर लोगों को वाटर यूसेज और वाटर कंजर्वेशन के लिए प्रेरित करके उनमें सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट की है, और यही कारण है कि जल जीवन मिशन इतने कम समय में वो करके दिखा रहा है जो कभी भी इतना आसान नहीं था। लोगों की पार्टिसिपेशन की इम्पोर्टेंस को समझते हुए जल जीवन मिशन ने नागरिकों की जन भागीदारी को बढ़ाया है। ये कॉन्सेप्ट बहुत जबरदस्त तरीके से वर्क कर रहा है, और आज कश्मीर के इस गांव में घर घर में जल है। गांव के बच्चे मुझे देखकर अपने तरीके से खुशी का इजहार करते हुए दिखे। उनके स्लोगन ने मुझे एहसास करवाया कि न केवल जल जीवन मिशन बल्कि स्वच्छ भारत मिशन ने भी लोगों के जीवन में एक बदलाव लाया है जो बड़ा ही सुखद और सुकून देने वाला है। हर घर जल, हर गांव स्वच्छता। गांव की कुछ औरतों ने मुझे बताया कि जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण ने उनके गांव में एक जबरदस्त चेंज लाया है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत उनके गांव में टॉयलेट बनाए गए हैं, और अब खुले में शौच करने की उनकी मजबूरी खत्म हो गई है। इसका सबसे ज्यादा फायदा गांव की औरतों को हुआ। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण ने नारी सम्मान के लिए जो ये कार्य किया है, ये बहुत ही सराहनीय है। आज कश्मीर के इस गांव में स्वच्छता एक आदत जैसी हो गई है, और सफाई कर्मचारी लोगों को अपने गांव में स्वच्छता रखने के लिए रेगुलरली प्रेरित करते रहते हैं। कितने कमाल की बात है ना,
कि एक छोटे से आह्वान ने न सिर्फ अपने घर बल्कि अपनी लोकैलिटी को भी साफ रखने के लिए जनमानस को प्रेरित कर दिया। उमरकोट और उसके आसपास के गांव की बदलती तस्वीर को देखकर सच में बड़ी खुशी हो रही है। और अब इस गांव से निकलते हुए मेरा जावेद जी को थैंक यू कहने का मन कर रहा है कि उन्होंने मुझे कश्मीर के इस गांव से रूबरू करवाया। बहुत सर्दी लग रही थी, ठंड थी, लेकिन यहाँ लोगों का प्यार देखकर मतलब ऐसा लगा कि वार्मथ इतनी आ गई कि बहुत मजा आ गया। देखिए, हम कश्मीरी तो बड़े मेहमान नवाज लोग हैं और काम भी बड़ा अच्छा हुआ है, लोग भी खुश हैं, जिससे आप भी खुश हुए। जावेद जी के साथ अब मैं कश्मीर के दूसरे गांव ब्रिमर नसर जा रही हूँ, जहाँ जावेद जी के कहने के मुताबिक जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण ने लाइफ चेंजिंग काम किया है। लोकल सरकारी कर्मचारी, पंचायत के लोग और गांव वासी बड़ी खुशी से मुझे जल जीवन मिशन के कारण हुई डेवलपमेंट के बारे में बताने के लिए एक्साइटेड लग रहे हैं। और सच कहूं तो इनकी ये एक्साइटमेंट देखकर मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने इंटरनेट पर जब सर्फ किया तो देखा कि ब्रिमर नसर गांव में महिला अनुपात लगभग 45% से ऊपर है और इस गांव ने हमेशा वुमेन एम्पावरमेंट को इम्पोर्टेंस दी है और यही वजह है कि ब्रिमर नसर की सरपंच भी एक महिला ही है। गांव के सरपंच और उनकी बेटी को मिलकर मुझे पता चला कि कुछ सालों पहले तक पूरा गांव पानी की किल्लत से जूझ रहा था, लेकिन आज जल जीवन मिशन ने सेफ ड्रिंकिंग वाटर घर की रसोई तक पहुंचा दिया है। बहुत सी दिक्कत होती थी, हमें बहुत दूर जाना था नदी नालों में पानी लेने से। तो कितना वक्त लगता था? अगर हम 10 बजे चले तो 1 बजे आती थे वापस, और हमें पढ़ाई पर भी ध्यान नहीं होता था, टाइम वेस्ट होता था हमारा। लेकिन आज हमें हर घर में, हर एक मोहल्ले में, हर गांव में, हर किसी गांव में, हर एक घर में नल का पानी दस्तियाब है। विंटर्स में हमें ज्यादा प्रॉब्लम थी, जब हमें पहले लाना था दूर से, बारिश होती थी तो हमारे फिर बेट क्या हमारे माए नहीं जा पाते थे, फिर हमें अपने माँ बाप को और भाई को बिल्कुल पढ़ना था पानी के लिए। लेकिन बहुत ही अच्छा है, अब तो बहुत ही अच्छा है। जब सरकार अपने लोगों की छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करने की कोशिश करती है तो हमें खिलखिलाते हुए, मुस्कुराते हुए ऐसे चेहरे दिखाई देते हैं। और सबके घर जल है ना? हर घर जल, हर घर स्वच्छता। ये क्या हो रहा है?
तो मैम ऐसा था, ये जो हमारे गांव देहात है ना कश्मीर के, यहाँ पानी की बहुत किल्लत हुआ करती जी। लेकिन अब पानी एकदम सुबह शाम आप देखिए चलता ही रहता है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ जो नल है ना जिसे हम टैप कहते हैं, वहाँ पानी कैसे आता है और कितने जोर से। चलिए चलिए आइए आइए, ये बढ़िया हो गया। अरे वाह, ये देखिए मैम, इसी को मैं कहता था हर घर जल। नहीं जावेद जी, हर घर नल से जल। अंग्रेजी की एक कहावत है डायरेक्ट फ्रॉम हॉर्स माउथ, और इसीलिए मैं एक अधिकारी से मिली ये समझने के लिए कि कैसे कश्मीर के एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट में पाइप्स के जरिए पानी सप्लाई किया जाता है। सर्दियों में पानी की सप्लाई मुहैया कराना डिपार्टमेंट के लिए थोड़ा मुश्किल होता था, क्योंकि अक्सर पानी पाइपों में जम जाता था। इसका एक कारण जीआई पाइप का इस्तेमाल था। जल जीवन मिशन के तहत हमने डीआई पाइप का इस्तेमाल किया है, और हमने ये भी इंश्योर किया है कि पाइप जो है कम से कम 2 फुट जमीन के नीचे दबाई जाए, जिससे जो पाइपों में पानी जम जाता था वो समस्या जो है वो दूर हो जाएगी। कंसर्न डिपार्टमेंट के एक दूसरे अधिकारी ने मुझे ये बताया कि कैसे पानी की फिल्ट्रेशन की जाती है। 20 किलोमीटर दूर से पानी आता है हेडवर्क से, फिर थ्रू पाइपलाइन यहाँ पहुँच के पूरा इसमें ट्रीटमेंट किया जाता है। यहाँ पे पूरा सेटअप बना हुआ है, और आफ्टर प्रॉपर ट्रीटमेंट ये लोगों को पीने के लिए सप्लाई किया जाता है। जो यहाँ से नीचे जो लोग रहते हैं, ऑलमोस्ट 10,000 लोगों को इससे फायदा मिलता है। नेचर की इस महान देन, पानी को पीने लायक बनाने के लिए सबसे पहले वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स में पानी का प्योरिफिकेशन किया जाता है। वाटर प्योरिफिकेशन का पहला स्टेप है फ्लॉक्यूलेशन, जिसमें पानी में पॉजिटिव चार्ज वाले केमिकल्स मिलाए जाते हैं ताकि अनवांटेड पार्टिकल्स को हटाया जा सके। सेकेंड स्टेप में सेडिमेंटेशन के जरिए सॉलिड पार्टिकल्स को पानी से अलग किया जाता है। एक बार फ्लॉक नीचे सेटल हो जाता है तो क्लियर वाटर को फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से गुजारा जाता है, और आखिर में डिसइंफेक्शन के लिए पानी में केमिकल्स डालकर पानी को ट्रीट किया जाता है। फाइनली ये प्यूरिफाइड वाटर कश्मीर के गांव-गांव पहुंचाया जाता है। मुझे ये देखकर बड़ी खुशी हुई कि जल जीवन मिशन के तहत पेयजल गुणवत्ता को प्रायोरिटी दी जाती है, और इस गुणवत्ता को जांचने के लिए लेबोरेटरीज का निर्माण किया गया, जहां अलग अलग साइंटिफिक टेक्निक्स के जरिए पानी की जांच होती है। इसी जांच के बेस पर पानी की प्योरिटी के मापदंड तय करके स्थानीय लोगों को शुद्ध पानी की गुणवत्ता के बारे में अवेयर किया जा रहा है।
स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के उद्देश्य को पूर्ण करता कश्मीर का ये गांव आज ओडीएफ प्लस की श्रेणी में है। यहाँ आज घर घर में इंडियन और वेस्टर्न स्टाइल के टॉयलेट्स हैं। गांव में सफाई कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं और लोग भी अपने गांव को स्वच्छ रखने में भागीदारी दिखा रहे हैं। अब हर कोई अपना ये कर्तव्य समझने लगा है कि उसे अपने गांव में सफाई रखनी है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत सफाई कर्मचारी रोज हर घर से कचरा उठाकर सेग्रीगेशन शेड तक ले जाते हैं, जहां कचरे को ड्राई और वेट फॉर्म्स में सेग्रीगेट किया जाता है। आज लोगों की आदत बन रही है कि वो कचरे को सही ढंग से डस्टबिन में रखें, ताकि सफाई कर्मचारी उन्हें प्रॉपरली डिस्पोज कर सके। सैनिटरी नैपकिन्स के यूज को लेकर कुछ सालों तक हमारे गांव की औरतें कभी खुलकर बात नहीं करती थी, लेकिन स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत सैनिटरी नैपकिन्स को लेकर भी एक मुहिम चलाई गई। इसको लेकर न केवल स्त्रियों में बल्कि पुरुषों में भी जागृति लाने का प्रयास किया गया है। आज कश्मीर के इस गाँव में स्त्रियों के स्पेशल टॉयलेट्स हैं, जिन्हें पिंक टॉयलेट कहा जाता है, और इन पिंक टॉयलेट्स में सैनिटरी नैपकिन्स की मशीन्स लगाई गई हैं, ताकि गांव की स्त्रियों और छोटी लड़कियों को महावारी के समय होने वाली बीमारियों से बचाया जा सके। हर घर पानी है, हर घर जल, हर घर नल। अरे बिल्कुल, हर घर जल, हर घर नल। आपका क्या कहना है? मुझे कहना है कि पानी के बारे में जी, पानी बहुत साफ है। हम जीजीएम का बहुत शुक्रगुजार हैं, हमेशा हमारे घरों में, नलकू में और लैट्रीन में साफ पानी हमेशा आता है। हम कभी पानी का महताज नहीं है, हमेशा पानी साफ पानी चलता है। आई एम वेरी हैप्पी इन वाटर एंड प्रोटोकॉल फॉर वाटर सर्विस पर्सन। आपसे मिलकर हमें खुशी हुई। घर जल के लक्ष्य को पूरा करता जल जीवन मिशन भारत सरकार का वो कार्य है, जिसने पूरे दुनिया के सामने हमारे देश की नई छवि पेश की है, और वो मनमोहक भी है। अरे जावेद जी, अरे वाह मैम, आपने तो अभी एक ही गांव देखा, आप तो एंकर की तरह बोलने लगे। हर घर जल, हर गांव स्वच्छता के मिशन ने लोगों की जिंदगियों को रोशन कर दिया है। वैसे इन दोनों गांव में मुस्कुराते हुए चेहरों को देखकर ये बात बिल्कुल पुख्ता हो चुकी है। बिल्कुल। अच्छा मैम, मुझे ये बताओ अब आगे का प्लान क्या है? आगे मुझे लगता है कि हर घर जल, हर गांव स्वच्छता से रंगा हुआ पूरा देश देखने की मेरी इच्छा है। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं यहाँ से लद्दाख जाऊंगी। अरे वाह, बस मैडम, फिर तो मैं भी आपके साथ लद्दाख आऊंगा। अरे नहीं नहीं, आप बिल्कुल मत आइएगा, वरना मुझे बहुत डांट पड़ेगी भाभी की। भाभी? अरे कौन सी भाभी? अरे आप मेरे भाई हुए तो आपकी बीवी मेरी भाभी नहीं हुई? हाँ हाँ, उसमें क्या शक है। बिल्कुल। और वैसे भी मैं जहाँ पर भी जाऊंगी, मुझे एक और जावेद भाई मिल जाएंगे। हाँ मैडम, ये बात आपने सही कही।